आए तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बट यहाँ पर भी बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी है। एक्चुअली सिस्टम इतना ज्यादा खराब हो गया है, कहीं पर भी बिना लाइन लगाए कुछ तो संभव है ही नहीं। क्या हो गया भाई, स्पॉट में झगड़ा वगैरह क्यों कर रहे हो? तुम पीछे जाओ, यहाँ पे है। चलो सर लाइन में रहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या वीडियो बना रहा है? वीडियो क्या है? हांजी, तो भाई एक बार फिर से आज को एक नया ब्लॉग लेके भाई, जैसे कहा वहाँ तो ज्यादा मजा नहीं है, बट थोड़ा एक्साइटेड मैं इसलिए हूँ कि भाई यहाँ पे नेचर सफारी का सवाल और बिहार का पहला ग्लास ब्रिज, मतलब समझ रहे हो ना भाई, बिहार का पहला ग्लास ब्रिज जो बना हुआ था वो हमारे राजगीर में बना हुआ था, तो शायद हम लोग इसके लिए निकल चुके हैं और बहुत मुश्किल के साथ भाई, बहुत मुश्किल के साथ जो है हमारा टिकट कंफर्म हुआ है, वो भी इंस्टेंट। तो चले चलते हैं, जिसको भी हमारा ब्लॉग अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, राजगीर से जो भी हमारा ब्लॉग देख रहे हैं भाई प्यार दे। चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद आपसे। तो भाई फाइनली ग्लास ब्रिज जाने के लिए तैयार हूँ और गाड़ी भी हमारा आ चुका है भाई यहाँ पे, बैटरी 80% फुल और ये खुल गया है भाई हमारा बैरियर। चलिए सिस्टम के साथ हमें ले जाया जा रहा है यहाँ पे। तो भाई फाइनली आ चुका हूँ हम लोग बस पे और यहाँ से निकलने वाले ग्लास ब्रिज के लिए, तो देखते हैं रास्ते में क्या सफर होने वाला है। ताकि अगर कुछ मैं बस शॉर्ट में निकालू अपना ब्लॉग, अगर ज़्यादा कुछ नहीं करा तो भाई हम लोग सीधे ग्लास ब्रिज पे आपसे मिलेंगे, अगर उसके बीच कुछ मिला तो वो जरूर दिखाएंगे आपको। ग्लास ब्रिज जी निकल के पड़ी है बस ग्लास ब्रिज की ओर और ये भाई बिहार में पहला ऐसा ग्लास ब्रिज है जी भाई। तो फाइनली नेचर सफारी में उतर चुका हूँ और अब यहाँ से हमें अंदर जाना है, ये प्रवेश द्वार, यहाँ से हमें अंदर जाना है। तो चलो भाई चलते हैं अंदर ही, एक बड़ा सा होर्डिंग मिलेगा नेचर सफारी का भाई। ये इनका एंट्री गेट है, यहाँ से आपको एंट्री करने को मिलेगा और इसके बाद आप अंदर जाइएगा तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ये रहा ग्लास स्काई वॉक, इधर आपको दिखा रही है राइट साइड, तो राइट साइड चल रहा है हमें ग्लास स्काई वॉक, स्काई वॉक के लिए शाम में घर पहुंचेंगे, 12 बजे पहुंचेंगे। हो भाई फाइनली अभी भाई नीचे से लाइन आए तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बट यहाँ पर भी बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी है। एक्चुअली सिस्टम इतना ज़्यादा खराब हो गया है, कहीं पर भी बिना लाइन लगाए कुछ तो संभव है ही नहीं, तो यहाँ पर भी वेट करने के अलावा कुछ है नहीं। बट यहाँ पे टाइम लिमिट है भाई, 5 बजे तक ही ये ओपन रहता है, 5 बजे का पूरा क्लोज हो जाता है, तो शॉर्ट टाइम लेकर बिल्कुल भी मत आओ यहाँ पे। लॉन्ग टाइम पे आना है तो बिल्कुल आप आ सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लंबी लाइन है, बिहार का पहला है और ट्रेंडिंग पे है, तो वैसा है कि भाई मतलब क्रेज तो है ही। क्या हो गया भाई, स्पॉट में झगड़ा वगैरह क्यों कर रहे हो? तुम पीछे जाओ, यहाँ पे है। चलो सर अब है, सर लाइन में रहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या वीडियो बना रहा है? वीडियो क्या है? आधे घंटे में फिलहाल हम लोग पहुंचे यहाँ तक और एक बार में ग्लास ब्रिज में आपको 12 जनी जा सकते हैं वहाँ पे, मतलब 12 से ज्यादा नहीं होगा, इसलिए इतना भीड़ लग रहा है। थोड़ा मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, थोड़ा बिहेवियर है बहुत ही ज्यादा खराब है यहाँ के लोगों का, कोई भी थोड़ा सही से आप रूडली बहुत बात करते हैं यहाँ पे इन, खास करके यहाँ पे ये भैया लोग। तो फिलहाल देखिए आप यहाँ पे ये ऐसा है, खैर वो सब बातें छोड़ते हैं, पहले हम ग्लास ब्रिज देखते हैं, उसके बाद तो आपको पूरा डिटेल बता ही दूंगा मैं। फाइनली मंजिल तक पहुंचे हैं यहाँ पे और यहाँ से नज़ारा देख लो भाई, काफी सॉलिड लग रहा है देखने में। तो भैया जूता है, हम लोगों ने टेम्पररी सॉक्स पहन लिया यहाँ पे ग्लास ब्रिज के लिए और यहाँ से चलना है अब हम लोग को इसके अंदर, फिलहाल लाइनें लगवा रहे हैं भाई। तो गाइस फाइनली एंट्री मिल गया है ग्लास ब्रिज के अंदर और अब देखने वाले हैं भाई क्या सीन है यहाँ पे। इतने मतलब इतने टाइम से जो मैं खड़ा था यहाँ पे और अब क्या सीन होने वाला है, तो भाई चलते हैं। ये देखो पहला ग्लास ब्रिज पे हम लोग, ओ भाई चप्पल लेने के लिए बोला है ना, हाँ हाँ।
तो भाई यहाँ से आपको चप्पल भी दिया जाएगा, क्रॉक्स वो भी, और यहाँ पे आपको चल जाना है। हाँ भाई पसीने से भाई पूरा हालत खराब है, बट फिर भी ग्लास ब्रिज में घूमने के लिए। आराम से। तो भाई ये है भाई राजगीर का और बिहार का पहला ग्लास ब्रिज, जहाँ पे भाई अभी हम लोग हैं। यार विश्वास नहीं करोगे, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई एक बार देखो ये है भाई ग्लास ब्रिज। भाई इसको यहीं पे आने के लिए हम लोग लगभग 2 घंटे से नीचे में खड़े थे, और ये देखो भाई फाइनली भाई ग्लास ब्रिज के ऊपर हूँ भाई, बिहार का पहला और सबसे फेमस राजगीर में स्थित ग्लास ब्रिज। यहाँ से आपको सब कुछ दिखेगा, ऑलमोस्ट आप देख रहे हो भाई यहाँ से आपको सब कुछ दिखेगा। और गहराई की अगर बात करूँ मैं तो देखो भाई गहराई बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, नीचे मत देखो कहीं नहीं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए भाई सबके साथ एक बार ब्रिज हिल रहा है, ब्रिज हिलता है, मौत निकल रहा था, मौत होता है। अमित जी हम वो ब्लॉक करने दो भाई, सो गाइस देखो भाई यहाँ से कैसा लग रहा है ग्लास। तो भाई फाइनली ग्लास ब्रिज घूम लिया, बिहार का ये प्रसिद्ध राजगीर में स्थित ग्लास ब्रिज जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही मतलब टाइट सिक्योरिटी के साथ बनाया गया है, बट यहाँ पे बहुत रूड बिहेव होता है, फिर भी चलो भाई सब कुछ सही है। तो भाई अब यहाँ से क्या प्लान होने वाला देखते हैं। गाइज हमारी ब्लॉग आपको कैसे लगी है बिल्कुल जरूर बताना, और ठीक है एक बार जरूर बताना भाई हमारे कि यार हमारी ब्लॉग्स कैसी लग रही है आपको।